तो फटाफट हिस्ट्री रिवीजन में आप बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 500 BC में राजगाहा में, जिसे प्रेजेंट में कहा जाता है राजगीर, जिसे कराते हैं अजातशत्रु और प्रिसाइड करते हैं महापक्ष। इस मीटिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, यहाँ पे जो बुद्ध की जितनी भी सेइंग थी, जो भी बुद्धा ने कहा, उन सबको कंपाइल होने करना शुरू किया जाता है। क्योंकि पहले जो है श्रुति परंपरा, जैसे मैं वेद में भी बताता आया कि सुनकर ही नॉलेज को जो है एक्वायर और ट्रांसमिट किया जाता था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सूत्र बनने शुरू हुए, कोडिफाई करना शुरू किया गया, मोनेस्टिक रूल्स बनने शुरू हुए, और ये सब कहाँ किया गया, राजगाह में किया गया। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बारी आ जाती है, यहाँ पे क्या होता है 383 में वैशाली में कालाशोक के द्वारा एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती है। अब यहाँ पे दो हो जाते हैं मोनेस्टिक रूल्स। अब देखिए बुद्ध की जो लाइफ है, दैट इज़ फुल ऑफ ऑस्टेरिटीज, तो मार्गी बुद्ध जरूर थे, बट यहाँ पे होता क्या है, डबल दो तरीके के स्कूल से इमर्ज हो जाते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव स्कूल और दूसरा होता है महासन्निकास। तो कंजर्वेटिव स्कूल ये कहता है कि जो मोनेस्टिक रूल्स हैं, जितनी भी मोनेस्टी में रूल्स हैं, जो उनमें जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मगर जो महासन्निकास थे, उनका ये कहना था कि जो मोनेस्टिक रूल्स हैं, उनमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, पूरा डिनाइल कर देते हैं महासन्निकास, और महासंहिता का क्लियर रिजेक्शन यहाँ से आ जाता है। उससे ही यहाँ पे नींव पड़ जाती है हीनयान और महायान की। आगे जाके देखेंगे कि कैसे हीनयान और महायान बनते हैं। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाते हैं अशोक 250 BC में पाटलिपुत्र में। इसका पर्पज क्या था कि जितने भी स्कूल्स, मतलब ये जो यहाँ से सेशनलिस्ट महासंघिकास जो थे, अलग होने की सोच रहे थे कंजर्वेटिव स्कूल से, तो उन लोगों को एक करने के लिए यहाँ पर जो है एक पहला शोक के द्वारा की जाती है। और इसे कौन प्रिसाइड करता है, इसे मोगलीपुत्र तिस्सा जो है इसे प्रिसाइड करते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क बुलाते हैं 100 AD में कश्मीर में, जिसे प्रिसाइड करते हैं वासुमित्र और अश्वघोष। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लियर डिवीजन हो जाता है हीनयान और महायान में, और त्रिवादा बुद्धिज्म जो है वो वहाँ से इसका इमरजेंस होता है, जो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता ये इस जो ये काउंसिल है। त्रिवादा बुद्धिज्म मतलब एक काइंड ऑफ बुद्धिज्म है, मतलब बुद्धिज्म का एक फॉर्म है, जैसे हिंदू ही रिलीजन में काफ़ी टाइप के शैवाइट वैष्णवाइट इस टाइप से हो जाते हैं। तो त्रिवादा बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, वो इस काउंसिल की ही ऑथेंटिसिटी को डिनाई कर देते हैं, और ये हेट्रिकल मॉन्क इनको कहा कह देते हैं। तो ये थर्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बट क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों के लिए रिलेवेंट है। अब फिफ्थ तो बुद्धिस्ट काउंसिल है 1871 में म्यांमार में होती है। तो यहाँ पे कराते कौन है, किंग मिंडोन इसे कराते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक की जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स होती हैं, उनको रिसाइट किया जाता है, उन्हें एग्जामिन किया जाता है डिटेल में, और सबको थोड़ा बहुत समय के हिसाब से अल्टर किया जाता है। अब सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 1954 में यंगून में होती है, जिसे